कि हम इधर पाकिस्तानी है मुसलमान इधर। ये पाकिस्तानी वर्ड बहुत गलत यूज किए और उनको नहीं करना चाहिए था। और उससे ज्यादा उन्होंने यूज किए कि टोपी वाले, टोपी वाले बोले, टोपी वाले गुंडे, टोपी वाले गुंडे, टोपी वाले गाड़ी दाढ़ी वाले, हम टोपी वाले गुंडे नहीं, हम खाली बंदे हैं तो अल्लाह के बंदे हम लोग। आप अपनी पॉलिटिक्स गंदी राजनीति के अंदर गोंडी को घिसीट रहे, क्या मिनी 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 पाकिस्तान बता रहे, ये कितना गलत है। फिर किया मैंने वो वीडियो की सर्टिफाइड कॉपी निकाल के कलेक्टर को दिया कि आप देखो कि इनको इधर ये मिनी पाकिस्तान बता रहे, क्या हम यहाँ के देशवासी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं शेख मोहम्मद सिराज। आज मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग 1 तारीख से हम लोग जब मीर कोटेजा साहब ने जब यहाँ गोंडी के शिवाजी नगर के अंदर देवनार पुलिस स्टेशन आए थे, उसके आने के बाद उन्होंने घर में अपने स्पीच दिए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारी गोंडी, ये हमारी गोंडी एक मिनी पाकिस्तान बनने जा रही है। संजय पाटलांनी मुंबईत मानपूरला एक गुन्हेगारीचा अड्डाच बनवलेला आहे, जणू काही मुंबईत मिनी पाकिस्तान ते बनवत आहे। मी हे कदापि होऊ देणार नाही। मतलब इनका बोलने का मकसद क्या था, गोंडी यहाँ पे 3.5 से 4 लाख 5 लाख मुसलमान रहते, यहाँ पे हम पैदा हुए, हमारी माँ, हम सब इधर पैदा हुए। यहाँ पे गोंडी में IAS ऑफिसर बन के निकले, IPS की पढ़ाई कर रहे, डॉक्टर्स है, वकील से, बड़े 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 डिग्री वाले इंजीनियर है, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो टैक्स देते। मतलब आप अपनी पॉलिटिक्स गंदी राजनीति के अंदर गोंडी को घिसीट रहे, क्या मिनी पाकिस्तान बता रहे, ये कितना गलत है। क्या हम यहाँ के देशवासी नहीं है, ये भी एक देश का हिस्सा है। इसलिए हम लोग इतना दिन से कमिश्नर साहब के पास और हम लोग कलेक्टर साहब के पास रोज जा रहे थे। आज हमारे कलेक्टर साहब ने विक्रोली में कलेक्टर ऑफिस, इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में हमने कम्प्लेंट किए, हमारी कम्प्लेंट को उन्हें मंजूर किया, मैंने वो वीडियो की सर्टिफाइड कॉपी निकाल के कलेक्टर को दिया कि आप देखो कि इनको इधर ये मिनी पाकिस्तान बता रहे। इसीलिए हमने इनका विरोध करते, हम लोग पूरा विरोध करते, खास करके मैं पूरे मुसलमान भाइयों सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग देखो कि कितनी गंदी राजनीतिक होती है। ये सिर्फ खाली पॉलिटिक्स राजनीतिक होती है, इससे पहले भी हर 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 पार्टी के लोग ने कुछ ना कुछ बोलते ही है। क्यों बोलते, खाली हमें खाली वोट बैंक के इसलिए यूज़ करा जाता है और कुछ ही नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ हम विरोध करते और कल पाँच बजे हम लोग शिवाजी नगर पुलिस चौकी के अंदर धरना लेंगे, पुलिस चौकी के अंदर जाएंगे, सीनियर साहब को हम लोग एप्लीकेशन देंगे, जो हमारे साथ हुआ है, जो इधर ये ने बोला गया उनके खिलाफ हम लोग ने विरोध करते हैं हम लोग, और उनके खिलाफ हम लोग चाहेंगे कि FIR होए, और FIR होएगा इंशाल्लाह। जब तक FIR नहीं होएगा हम लोग हारने वाले नहीं है, क्यों ये अगर बांग्लादेशी बोलते हैं तो समझ जाते, ये पाकिस्तानी वर्ड वो यूज़ करे, क्या हम इधर पाकिस्तानी है मुसलमान इधर, ये पाकिस्तानी वर्ड बहुत गलत यूज़ किए और उनको नहीं करना चाहिए था। और उससे ज़्यादा उन्होंने यूज़ किए कि टोपी वाले बोले, टोपी वाले गुंडे, टोपी वाले गाड़ी दाढ़ी वाले, हम टोपी वाले गुंडे नहीं, हम खाली बंदे हैं तो अल्लाह के बंदे हम लोग। संजय पाटलांचा टोपी वाले गुंड्यांनी, खाली उनको ही पूछते और उनको ही बांधते और उनके सामने सजदा करते, कोई गुंडे नहीं है, टोपी वाले एक नमाजी है, अच्छे इंसान होते। आप लोग देखो टोपी के बारे में ऐसा किधर माइक के ऊपर कोई स्पीकर के बारे में बोलता है, कोई मस्जिद के ऊपर बोलता है, कोई मंदिर के ऊपर बोलता है, किस किस गलत बातें अपने जो मन में ऐसा बोलता है। इसके लिए हम लोग चाहते कि पाकिस्तान वर्ड बहुत गलत था, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो यहाँ के प्रेजेंट वहाँ के MLA भी है, लोक प्रतिनिधि है और MP भी लड़ रहे, अगर ये अभी ऐसा करे तो आगे क्या करेंगे। देखो ये पेपर डिस्पैच कॉपी है और ये कॉपी के अंदर खुद इलेक्शन कमिश्नर ने इसको मंजूरी किया, हम लोग से आधा घंटा हमारा स्टेटमेंट लिया है। ये कोई हवाई वाली बात नहीं है, पेपर वाली बात है। और मैं ये आज से नहीं है, कोई बोलता रहेगा दलाल एजेंट, जो पार्टी का दलाल लोग है, एजेंट लोग है जो नहीं जो बोल रहे हैं, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि 1 तारीख से हम लोग इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। 1 तारीख का हम लोग का डिस्पैच है जो कल जाके आज जाके मंजूर हुआ। इसके लिए हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले माशाल्लाह ये इतने भाई आई है, इनके माध्यम से कई हज़ार लोग, कई लाखों लोगों को जाएगा इंशाल्लाह और ज़रूर जाएगा। आप लोग आए, सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ये हक की आवाज़ है, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, ये गलत बात है। हम यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे 108 मंदिर है, यहाँ पे
कम से कम 150 से 200 मस्जिद है, यहाँ से यहाँ पे गुरुद्वारा है, यहाँ पे चर्च है, यहाँ पे धार्मिक हर स्थान है, सब मिलके आज गोंडी कम से कम 100 साल से गोंडी है। और गोंडी के अंदर ऐसे कोई भी आते हैं, कोई भी नेता आता है, बोलता है, चले जाता है, तो इसके लिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और कल शिवाजी नगर चौकी के अंदर पूरे गोंडी के जितने जितने रहवासी है, जुंडी गोंडी के जितने लोग हैं, सबसे मेरी अपील है कि आप लोग सब लोग मिलके 5 बजे आओ, इंशाल्लाह 5 बजे हम लोग चौकी में जाएंगे, और अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह जो ये फोटो बनाए जेल के अंदर वाला, जरूर इंशाल्लाह उनके ऊपर एफआईआर बनेगा, उनके ऊपर एफआईआर बनेगा इंशाल्लाह। जय हिंद, जय भारत। आपका शेख मोहम्मद सिराज।